सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है एक DOB प्लेट और इसके वायरिंग कैसे करते हैं ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, तो मैं यहाँ पे उस बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फिर आप यहाँ से भी जो वायरिंग है वो कम्प्लीट कर सकते हैं। 1 ohms का रजिस्टर, ये एक MOV है और ये DOB प्लेट है 18 watt का। तो आज मैं यही बताने वाला हूँ कि बहुत बार अच्छे अच्छे लाइट में भी ये तो DOB प्लेट चलो बहुत ही सस्ता है, पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइट्स में भी या फिर जो LED ट्यूबलाइट होते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो है एक ये जो लाइट है ये ब्लिंक करता है, ये लाइट पूरा ब्लिंक करता है और बहुत बार तो हमें खाली आंखों से नज़र भी नहीं आता है, कैमरा सामने ले जाने पे फिर नज़र आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लिंकिंग इफेक्ट आपको दिख रहा है, ये बहुत बार हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है पर कैमरा ले जाने पे ये साफ दिखाई देता है। इसी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ये ब्लिंक बिल्कुल भी नहीं रहेगा लाइट में, वैसा मैं करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे बस एक ही कंपोनेंट चाहिए होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इस लाइट को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये बस एक कैपेसिटर, ये 500 वोल्ट और 4.7 माइक्रोफैरड का है। हो सकता है कि आपको 500 वोल्टेज का ना मिले पर आपको 240 वोल्ट से ऊपर जो कैपेसिटर रहता है वो लेना है, और माइक्रोफैरड आपका जितना ज़्यादा होगा आपका काम उतना अच्छा होगा, आपका लाइट जो है वो उतना स्मूथ चलेगा। तो मैं एक पहले लगा के देखूंगा कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, अगर एक से ना हो पाए तो मैं 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊंगा। और ये कैपेसिटर थोड़ा सा पुराना है, मैंने पुराना एक सर्किट से निकाला है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हालांकि ये वीडियो मैं पूजा के बाद ही अपलोड करूंगा पर फिर भी अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो यहाँ पे दुकान सब बंद है, तो इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। तो इसको सोल्डरिंग करने से पहले मुझे जानना पड़ेगा कि कहाँ पे ये सोल्डरिंग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आना पड़ेगा हमें ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके ऊपर यहाँ पे एक माइनस साइन, ये देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन और यहाँ पे एक प्लस साइन आ रहा है, तो जो प्लस है ये वाला डायने वाला राइट साइड पे मैं पॉजिटिव लगा दूंगा इस कैपेसिटर का, और जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे मैं नेगेटिव लगा दूंगा। यहाँ पे एक पॉइंट भी किया हुआ है, ये देखिए R लिखा हुआ है इसके। यहाँ पे जो प्लेट आपको दिख रहा है, जो कॉपर का प्लेट आपको दिख रहा है सोल्डरिंग करने के लिए, यहाँ पे जगह दे दिया है, तो यहाँ पे मैं सोल्डरिंग करने वाला हूँ। एक एक करके करूँगा, दोनों एक साथ नहीं करूँगा, पहले एक करके फिर देखूँगा कि रिजल्ट कैसा दे रहा है। अगर अच्छा रिजल्ट दे दिया तो मैं एक ही रखूँगा, अगर रिजल्ट अच्छा ना दे तो मैं दोनों को ही सोल्डरिंग करने वाला हूँ। और आप प्लीज़ वोल्टेज का थोड़ा सा ध्यान रखें, 250 या फिर 240 वोल्टेज के ऊपर ही वोल्टेज लें। और दूसरी बात, नेगेटिव और पॉजिटिव जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज़ पे ध्यान दें, वरना आपका जो कैपेसिटर है ये फट सकता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर का सोल्डरिंग मैंने कर दिया है, और अगर आपको सोल्डरिंग करना नहीं आता है या फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि एक्चुअली मैं सोल्डरिंग कैसे करने से अच्छा होता है। तो मेरा तो ये सोल्डरिंग हो गया है, अभी मैं इसे जला के फिर दिखाऊंगा आपको। इसको मैं ऑन करता हूँ और देखिए फ्रेंड, ब्लिंकिंग का कोई भी इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए, मैं कैमरा को थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ब्लिंकिंग इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे लगा है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर 5 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो आप भी अपने घर पे जो लाइट्स है उसे आप रिपेयर कर सकते हैं। जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है ये आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हमें तो खाली आंखों से ये ब्लिंकिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट इस लाइट के नीचे अगर मैं थोड़ी देर पढ़ाई वढ़ाई करता तो मेरा आंखें ख़राब हो जाता, क्योंकि ये ब्लिंकिंग इफेक्ट आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इस ब्लिंकिंग इफेक्ट को बस एक ये कैपेसिटर से आप ठीक कर सकते हैं, और ये इसका प्राइस 5 रुपये 10 रुपये तो नहीं होगा, 5 रुपये 5-7 रुपये इतना ही प्राइस होगा। बस आप इतना कम खर्चे में एक LED लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। और मैं ये बात बोल देता हूँ आपको कि ये जो काम है ये कैपेसिटर लगाना, ये कोई दुकान में तो कोई करेगा नहीं, ये करके कोई फ़ायदा नहीं है, और लोग इसको ठीक भी नहीं कराते मैक्सिमम लोग, क्योंकि हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है कि हमारा जो लाइट है वो उसमें ब्लिंकिंग इफेक्ट आ रहा है। बहुत बार ब्लिंकिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें दिखाई पड़ता है, पर ये जो इफेक्ट है ये आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसा इफेक्ट आप घर पे चेक कीजिए फ़ोन में, अगर आपके फ़ोन में कैमरा में ठीक से आ नहीं रहा है तो आपका कैमरा में नया जो फ़ोन है उसमें एक स्लो मोशन फीचर्स आता है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, और फिर ये जो ब्लिंकिंग इफेक्ट है इसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा दिखे तो प्लीज़ आप ये कैपेसिटर लगा लीजिए अपने लाइट्स में। ट्यूबलाइट में भी ये होता है, आपको सर्किट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ब्रिज के जो आउटपुट साइड है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो DC आउटपुट निकलता है वहाँ पे जाके आप
एक कैपेसिटर लगा दीजिए और आपका जो लाइट है वो बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करेगा। तो बस वीडियो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कुछ सवाल हो इसके ऊपर या फिर कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ये बहुत गर्म हो चुका है अभी। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो देखने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं चैनल पे नेक्स्ट वीडियो पे।